संजय लीला भंसाली एक ऐसे मूवी डायरेक्टर जो कि अपने स्क्रिप्ट्स और अपने मूवी के सेट्स के लिए जाने जाते हैं, तैयार कर रहे हैं सलमान और शाहरुख खान को एक साथ कास्ट करने का मास्टर प्लान। हाल ही में खबर आ रही थी संजय जिस फिल्म में सलमान और शाहरुख को एक साथ कास्ट करेंगे उस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी, पर संजय लीला भंसाली ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जिससे साफ हो गया है कि फिलहाल वो सलमान और आलिया के साथ ही फिल्म बनाने जा रहे हैं। संजय की इस आने वाली फिल्म का नाम है इंशाअल्लाह। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस फिल्म में शाहरुख खान क्यों नहीं है, तो हम आपको बता दें कि संजय कुल 3 स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे थे जिनमें से पहली स्क्रिप्ट हम दिल दे चुके सनम से मिलती जुलती थी जिसमें 2 लीडिंग मैन का रोल था। संजय की दूसरी स्क्रिप्ट एक वॉर ड्रामा स्क्रिप्ट थी जिसमें भी उनको 2 लीडिंग मैन एक्टर्स की जरूरत थी, और संजय की तीसरी स्क्रिप्ट थी एक लव स्टोरी। संजय ने अपनी पहली 2 स्क्रिप्ट्स को लेकर सलमान और शाहरुख से बात तो की, पर कुछ कारणों की वजह से उन स्क्रिप्ट्स के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो उन्होंने तीसरी स्क्रिप्ट को सलमान और आलिया के साथ पिक्चराइज करने का फैसला किया जिसका नाम रखा गया इंशाअल्लाह। अब देखना ये होगा कि 20 साल के बाद संजय लीला भंसाली और सलमान खान की ये जोड़ी फिल्म इंशाअल्लाह के साथ क्या रंग लाएगी।